आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में दी। आज के इस नए साल के लिए 2020 के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक नया साल हम सबके जीवनों में जोड़ा। इस बात के लिए उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हमारी टीम की तरफ से आप सबको इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए परमेश्वर की आशीषों को रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में इस साल में आशीषें देगा। चाहे वो हमारे जीवन के कोई भी क्षेत्र हो, हमें परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पर आशीष देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीषों का श्रोता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हर एक उत्तम आशीष परमेश्वर की ओर से आती है, कि इस साल के लिए परमेश्वर ने हमें उत्तम आशीषों से तृप्त करेगा, हमारे मनोरथों को पूरा करेगा, और वो अपनी आशीषों को जो स्वर्ग से हमें मिलती है, जो उस परमेश्वर से हमें मिलती है, आज इस 2020 में परमेश्वर हमें आशीषों का वारिस बनाएगा। तो हम सब विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, वो विश्वास योग्य प्रभु है, और वो हमारे जीवन में आशीष देगा इस 2020 में। यदि आपकी कोई समस्या है, यदि आपकी कोई चिंताएं हैं, यदि आपकी कोई परेशानी है, तो वो सारी इस 2020 में परमेश्वर दूर करेगा। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उन सब की ओर से प्रभु आपका धन्यवाद हो प्रभु, कि आपने उन सब के जीवनों में एक नया साल जोड़ा है प्रभु। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इन भाई बहनों के जीवन में आज के दिन में, इस पूरे साल में, हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं मेरे प्रभु, आपके लहू में प्रभु इन भाई बहनों को ढांपते हैं परमेश्वर। हम सब मिलकर आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की प्रशंसा, आपके नाम को प्रेज करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आदर महिमा और स्तुति के योग्य प्रभु जी आपका नाम है। आप विश्वास योग्य प्रभु हैं, आप हमें चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे शांति देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आप हमारे जीवन में नया साल जोड़ने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर है, आप हमारी चट्टान, हमारी ढाल है परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है पिता, हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर है, हमें जीवन देने वाले परमेश्वर है पिता। आप अल्फा ओमेगा है, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है मेरे पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आज की सुबह में आपकी बड़ाई हो पिता, सच में हम घटे और आप हमारे में बढ़ता चला जाए मेरे प्रभु जी। परमेश्वर आपको इस साल में हर एक बीमारी से चंगा करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी है, परमेश्वर आपको इस साल में चंगा करेंगे। परमेश्वर आपकी परिवार की हर एक समस्या को दूर करेगा इन जीसस नेम प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन पर बहुत ज्यादा कर्जा है पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, आपका वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। परमेश्वर आप प्रभु इस 2020 में उनके कर्जों को चुकाएं, आप इन्हें सारे कर्जों से प्रभु छुटकारा देंगे पिता, क्योंकि आप यहोवा ही रहे हैं पिता। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो अपने लिए संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नित लगाकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि सच में परमेश्वर आपको इस साल में संतान की आशीषों से तृप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से होता है। परमेश्वर आपके घर के लड़ाई झगड़ों को दूर करेगा, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि को देगा इस साल में। परमेश्वर आपको शांति से भरेगा, आनंद से भरेगा, भलाइयों से भरेगा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक चिंताओं को दूर इस 2020 में दूर करेगा, वो आपको अच्छी जॉब देगा, वो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर देगा, वो आपके परेशानियों को दूर करेगा, वो आपके दुखों को 2020 में दूर करेगा। परमेश्वर आपको एक अच्छा घर देगा, परमेश्वर आपको अपनी शांति से भरेगा, आपके बिजनेस को आशीष देगा इस साल में, परमेश्वर आपको उन्नति देगा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गड़बड़ी रही हो, 2019 में उन्होंने अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में वो रहे हैं पिता, हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हम उनके जीवन में घोषणा करते हैं पिता, कि वो आप उनके रिलेशनशिप को रिस्टोर करें
पिता आपसे प्रार्थना हर एक के डर को, हर एक के धोखे को, हर एक की चिंता को, गुस्से को, डिप्रेशन को आप इस साल में दूर करेंगे यीशु के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हर एक के जीवन में आशीष देंगे, हर एक के जीवन के, हर एक के मनोरथों को आप इस साल में पूरा करेंगे, हर एक के कर्जों को आप इस साल में दूर करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई भी केसेस है, इस साल में परमेश्वर आपको उस केस से छुटकारा देगा। पर यदि आप किसी बंधन में है तो इस 2020 में परमेश्वर आपके हर एक बंधन को तोड़ेगा। आप अगर दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं तो परमेश्वर इस 2020 में आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा देगा। वो हर एक जानलेवा बीमारी से आपको छुटकारा देगा, वो हर एक फाइनेंशियल स्ट्रगल से आपको छुटकारा देगा, वो आपके घर परिवार की समस्याओं से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपसे वादा करता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूंगा। परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या है, सारी चिंताओं को इस साल में परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।